पलामू जिला के रेहला थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक युवती का शव मिला है। युवती की हत्या कर शव को बकायदे कंबल में बांधकर मोटरी नुमा बनाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। हालांकि अपराधी के द्वारा शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने के पीछे की मंशा विफल हो गई, क्योंकि जिस ट्रैक पर शव को रखा गया था वो रेलवे ट्रैक ग्रासिम इंडस्ट्रीज में जाती है और यदा कदा ट्रेन कभी उस पर आती है। अगले सुबह जब स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर मोटरी नुमा कंबल का गठरी को देखा तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। नजदीक जाने पर गठरी से दो पैर बाहर दिख रहे थे। हालांकि रेलवे पुलिस और रेहला थाना के बीच काफी लंबी खींचतान के बाद मौके पर इंस्पेक्टर राजबल्लभ पासवान पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अंत परीक्षण के लिए भेजा। पुलिस की ओर से रेलवे ट्रैक का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया जा रहा था, वहीं रेलवे वाले लोग थाना का मामला बताकर पल्ला झाड़ ले रहे थे। करीब एक घंटे तक ऊहापोह की स्थिति के बीच जब इंस्पेक्टर राजबल्लभ पासवान मौके पर पहुंचे तब उन्होंने रेहला थाना को शव को कब्जे में लेने का और अंत परीक्षण कराने का निर्देश दिया। पुलिस शव की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। लड़की का शव पूरी तरह से अकड़ चुका है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि देर रात ही घटना को अंजाम दे दिया जा चुका होगा। गढ़वा रोड जंक्शन से करीब 600 मीटर दूरी पर युवती का शव बरामद हुआ है। शव से करीब 30 मीटर की दूरी पर एक काला रंग का बैग मिला है, जिसमें कुछ श्रृंगार का सामान रखा हुआ था। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है।